Hello everyone, hope you are fit and fine. Today I am going to explain the first chapter of our book with us. The name of the chapter is The Third Level, written by Jack Finney. This story is a blend of fiction and reality, means mixture of fiction and reality. Fiction se matlab hai literature in the form of prose that describe imaginary events and people. तो ये एक कहानी है, ये कहानी एक मिक्सचर है फिक्शन एंड रियलिटी का. इट एक्सप्रेसेस मेंस डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम रियलिटीज ऑफ लाइफ. इट आल्सो टॉक्स अबाउट टाइम ट्रेवल. इन दिस स्टोरी चार्ली इज़ अ सेंट्रल करेक्टर. वन डे बाय चांस ही स्लिप्स इनटू पास्ट. लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. द प्रेजेंट of the New York Central and New York, New Haven and Hartford Railroad will swear on a stack of timetables that there are only two, means only two levels. जो प्रेजिडेंट है न्यू यॉर्क सेंट्रल एंड न्यू यॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड के, वो टाइम टेबल के ढेर की सौगंध खाएंगे कि वहाँ पर केवल दो ही स्तर हैं, दो ही लेवल हैं. बट आई से देर आर थ्री, पर मैं कहता हूँ वहाँ यहाँ पर तीन हैं. Because I have been on the third level of the Grand Central Station, क्योंकि मैं तीसरे level पर रह चुका हूँ. Yes, I have taken the obvious step. हाँ, मैं obvious step, यानी प्रत्यक्ष कदम उठा चुका हूँ. I talked to a psychiatrist friend of mine. मैंने अपने एक psychiatrist friend से बात की. Psychiatrist मतलब मनोरोग विशेषज्ञ. तो मैंने अपने एक psychiatrist दोस्त से बात की, among others, दूसरों के साथ साथ. I told him about the third level. मैंने उसे third level के बारे में बताया, at Grand Central Station, जो कि Grand Central Station पर था. And he said, और उसने कहा, it was a waking dream with fulfillment. उसने कहा यह एक waking dream है, मतलब यह जागते हुए देखे गए सपने का पूरा होना है. He said, I was unhappy. उसने कहा मैं खुश नहीं था. That made my wife kind of mad. इससे मेरी पत्नी पागल सी हो गई. But he explained, परंतु उसने समझाया, that he meant, कि उसका मतलब है, the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. मतलब कि उस पूरा जो संसार है वह असुरक्षा, डर, युद्ध, चिंता और बाकी सभी चीज़ों से भरा है. And that I just want to escape. और मैं सिर्फ और सिर्फ वहाँ से भागना चाहता हूँ, escape करना चाहता हूँ. Well, who doesn't? खैर, कौन नहीं चाहता? Everybody I know wants to escape. मुझे पता है हर एक बंदा भागना चाहता है, हर एक पर्सन भागना चाहता है. But they don't wander down into any third level at Grand Central Station. पर वो Grand Central Station के तीसरे लेवल पर नहीं घूमते. But that is the reason. He said, परंतु यही कारण है, उसने कहा, and my friends all agreed, और मेरे जितने भी दोस्त थे वो इस चीज़ से सहमत हुए. Everything points to it, सभी चीज़ें इसकी ओर इशारा करती हैं. They claimed, उन्होंने दावा किया, my stamp collecting for example, उन्होंने दावा किया, ठीक है, my stamp collecting for example, that is a temporary refuse from reality. उन्होंने बताया कि जो मेरी स्टैम्प कलेक्शन है वो एक उदाहरण के तौर पर वो एक टेम्प्ररी रिफ्यूज़ है. रिफ्यूज़ मतलब कि प्लायन, भागना, ये भी एक तरह का भागना ही है. तो ये एक टेम्प्ररी रिफ्यूज़ है फ्रॉम रियलिटी, मतलब वास्तविकता से अस्थायी तौर पर थोड़ा रिफ्यूज़ करना है, वहाँ से प्लायन करना है. वेल, खैर, मे बी, शायद, बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. परंतु मेरे दादाजी को तो वास्तविकता से भागने की कोई ज़रूरत नहीं थी. थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे, क्योंकि उनके दिनों में जो चीज़ें थी वो बहुत ही अच्छी और शांत थी. फ्रॉम ऑल आई हियर, जो मैं सुनता हूँ, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, मीन्स स्टैम्प कलेक्शन, और उन्होंने ही मेरी कलेक्शन जो थी, स्टैम्प कलेक्शन थी, वो शुरू की थी. इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू, ये एक बहुत ही अच्छी कलेक्शन भी है. Blocks of four of practically every US issue, means practically व्यवहारिक रूप से हर एक US issue के चार block, first day cover, पहले दिन के cover, and so on आदि. First day cover means a cover, usually an envelope, postmarked on the first day of the issue of its stamp. जो stamp collector होते हैं वो खुद को ही envelope post करते हैं जो कि खाली होता है. आगे वो कहता है, President Roosevelt collected stamps too. जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट था वो भी स्टैम्प कलेक्ट करता था, यू नो, तुम्हें पता है.
Anyway, here is what happened at Grand Central. Kya Grand Central par yahi hua. One night last summer I worked late at the office. लास्ट पिछली गर्मियों की बात है. आई वर्क लेट एट ऑफिस. मैं वर्क काफ़ी देर तक काम कर रहा था ऑफिस में. आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप डाउन टू माई अपार्टमेंट. और मैं अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए अब जल्दी कर रहा था. सो जल्दी में था. सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस. तो मैंने डिसाइड किया सबवे लेने का ग्रैंड सेंट्रल से, क्योंकि यह बस से ज़्यादा तेज़ थी और तेज़ हैं. नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी. मुझे नहीं पता, अब मुझे नहीं पता ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय नेम चार्ली. मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ जिसका नाम चार्ली है. 31 ईयर्स ओल्ड 31 वर्ष का हूँ. एंड आई वॉज वेयरिंग ए टैन गैबर्डीन सूट. और मैंने एक टैन कलर का गैबर्डीन सूट पहना था. एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड. और एक स्ट्रॉ हैट पहनी हुई थी जिसके ऊपर एक फैंसी बैंड लगा था. I passed a dozen men. मैं दर्जनों लोगों के पास से गुजरा who looked just like me. जो बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखाई दे रहे थे. And I wasn't trying to escape from anything. और मैं किसी भी चीज़ से भागने का प्रयास नहीं कर रहा था. I just wanted to get home to Louisa, my wife. मैं सिर्फ लुइजा अपनी पत्नी के पास घर जाना चाहता था. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. मैं Vanderbilt Avenue से Grand Central में मुड़ा. And went down the steps to the first level. और सीढ़ियाँ उतर कर नीचे first level पर पहुँचा. Where you take trains like the 20th century. जहाँ पर तुम 20th century जैसे trains ले सकते हो. Then I walked down another flight into the second level. फिर मैं एक और flight से second level पर पहुँचा. Another flight means flight. Flight means stairs between two landings. Where the suburban trains leave from. जहाँ से suburban trains जाती हैं. suburban trains मतलब उपनगरीय trains. जहाँ से उपनगरीय trains जाती हैं. dug into an arched doorway heading for the subway. subway की तरफ जाते हुए मैं एक curved doorway में से गुजरा और झुका. वहाँ पे झुका, एक छोटा सा कर्व्ड डोरवे था जहाँ से मैं झुक के अंदर गया. एंड गॉट लॉस्ट. और वहाँ पे मैं खो गया. दैट्स इजी टू डू. ये आसान है ऐसा करना. आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम. मैं ग्रैंड सेंट्रल में सैकड़ों बार जा आ चुका हूँ. बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स. बम्पिंग इन टू मीन्स कमिंग अक्रॉस अनएक्सपेक्टेडली. तो उसने कहा कि एवरी टाइम, मतलब यानी कि हर बार मैं नए दरवाजों और खिड़कियों पर अचानक ही पहुँच जाता हूँ. वंस, एक बार आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग. एक बार तो मैं एक मील लंबी टनल में सुरंग में खो गया. एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द गॉट इन टू सॉरी आई गॉट इन टू अ टनल. मैं एक टनल में चला गया अबाउट ए माइल लॉन्ग जो कि एक मील लंबी थी. एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल. और मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुँच गया या वहाँ से बाहर निकला. अनदर टाइम, एक और बार आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑफ ऑन 46th स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे. एक और बार क्या हुआ कि मैं 46th स्ट्रीट में एक ऑफिस की बिल्डिंग में से बाहर निकला जो कि 3 ब्लॉक दूर थी. समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स. पुशिंग आउट मीन्स निकालता हुआ. कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है नए कॉरिडोर्स और स्टेयरकेस को जड़ों की तरह निकालते हुए. देर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ. शायद अभी शहर के नीचे से एक लंबी सुरंग गुजरती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता. ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क. जो टाइम्स स्क्वायर से होती हुई जाती है और शायद दूसरी सेंट्रल पार्क तक जाती है. एंड मे बी और शायद बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट. क्योंकि कई मतलब कह सकते हैं वर्षों से बहुत सारे लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो बाहर निकलने का रास्ता रहा है. अ वे ऑफ एस्केप, शायद एक रास्ता प्लान करने का. मे बी शायद दैट इज़ हाउ द टनल आई गॉट इन टू. हो सकता है इसी तरह से वो सुरंग भी है जिसमें मैं गया.
बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, परंतु मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को अपने इस विचार के बारे में कभी नहीं बताया. द कॉरिडोर आई वॉज इन, जिस कॉरिडोर मतलब को गलियारे में मैं था, बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लेंटिंग डाउनवर्ड, उसने टर्न करना लेफ्ट की तरफ मुड़ना शुरू कर दिया. बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लेंटिंग, स्लेंटिंग मतलब स्लोपिंग डाउनवर्ड, स्लोपिंग स्लेंटिंग डाउनवर्ड, एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग. परंतु मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये कुछ गलत है, बट मैं चलता रहा. ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप, जो कुछ मैं सुन सकता था वह थी मेरे खुद के पैरों की आवाज़. एंड आई डेंट पास अ सोल, और मुझे रास्ते में कोई नहीं मिला. देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, फिर मुझे इस प्रकार की एक गूंज सुनाई दी. दैट मीन्स ओपन स्पेस, जैसे कि कोई ओपन स्पेस हो आगे, एंड पीपल टॉकिंग, और लोग जो हैं वो बातें कर रहे थे. द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, टनल ने एकदम से तीखा लेफ्ट मोड़ लिया. आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, फिर मैं एक शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स से नीचे गया. एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल, और मैं थर्ड लेवल पर पहुंच गया एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का तीसरा लेवल था. मैं वहां पे पहुंच गया. फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट, कुछ समय के लिए, क्षण के लिए तो मैंने सोचा कि आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि शायद मैं सेकेंड लेवल पर वापस पहुंच गया हूं. बट आई सा द रूम वॉज स्मॉलर, परंतु मैंने देखा कि जो रूम थे वो छोटे थे. देयर वर फ्यूअर टिकट्स, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स, और वहाँ पर जो टिकट विंडो थी वो भी कम थी और ट्रेन गेट्स भी कम थे. एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इज इन द सेंटर वॉज वुड, और जो इंफॉर्मेशन बूथ था सेंटर बना हुआ वो भी लकड़ी का था, एंड ओल्ड लुकिंग और पुराने लुकिंग का था. ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई किसी पुराने टाइम में आ चुका हूँ. एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, ग्रीन आई शेड मीन्स आई शेड का मतलब है यहाँ पे स्पेक्टिकल्स. तो और उस बंदे ने जो कि बूथ में था उसने ग्रीन कलर की स्पेक्टिकल्स पहनी थी, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, और उसके साथ साथ उसने लंबी बाजू वाला प्रोटेक्टर पहना हुआ था. द लाइट वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, जो लाइट थी वो बहुत डिम थी, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग मतलब एक प्रकार से कांपने वाली लाइट थी. देन आई सा, तब मैंने देखा, वाई कि क्यों, देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट, क्योंकि वे खुली फ्लेम वाली गैस की लपटे थी. देर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर ब्रास के स्पिटून, जो स्पिटून थे वो पड़े हुए थे. एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट, और एक झिलमिल प्रकाश था, कॉट माई आईज, जो कि मेरी आंखों में पड़ा. अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक व्यक्ति ने अपनी वेस्ट मतलब जैकेट की पॉकेट में से सोने की घड़ी निकाली. ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने ओपन को कवर को ओपन किया. ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड, अपनी घड़ी की तरफ देखा और फ्राउंड मतलब त्योड़ियाँ चढ़ाई. ही वोर अ डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहना हुआ था. अ ब्लैक फोर बटन सूट, चार बटनों वाला एक सूट पहना हुआ था. विद टाइनी लेपल्स, छोटे लेपल्स वाला, छोटे कॉलर्स वाला. एंड ही हैड अ बिग ब्लैक, और उसके उसके जो एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टाश, तो उसकी जो मूछें थी वो बड़ी काली और हैंडल बार जैसी, हैंडल बार मतलब जैसे साइकिल का कोई हैंडल होता है, इस प्रकार की उसकी मूछें थी. देन आई लुक्ड अराउंड, मैंने इधर उधर देखा एंड सा, और क्या देखा कि एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, और ये देखा कि स्टेशन पर हर किसी ने 1890 वाले 1890 वाले कपड़े पहन रखे थे. आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स साइड बर्न्स एंड फैंसी मस्टाश इन माई लाइफ, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी सारी दाढ़ियाँ साइड बर्न्स एंड फैंसी मस्टाश अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे. साइड बर्न्स मीन्स कानों जो आप दाढ़ी होती है कानों के नीचे तक रखते हैं कुछ लोग, जिसको आमतौर पर कलमे कहा जाता है. तो उसने अपनी ज़िंदगी में कहते इतनी सारी बियर्ड्स और साइड बर्न्स या फिर फैंसी मस्टाश नहीं देखी थी. अ वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, गाड़ी के दरवाजे से एक महिला अंदर आई. She wore a dress with leg of mutton sleeve. उसने भेड़ की टांग जैसी स्लीव वाली ड्रेस पहन रखी थी. And skirts
to the top of her high buttoned shoe aur uche button dar jooton ke upar skirt pehen rakhi thi. Back of her out on the track I caught a glimpse of a locomotive. Uske piche patri par meri drishti engine par padi. A very small career and Ives locomotive jo ki Korea and Ives company ka chota sa engine tha with a funnel shaped stack jiski keep jaisi chimney thi. And then I knew, tab main samajh gaya. To make sure, nishchit karne ke liye, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of paper. Main ek newsboy ke paas gaya aur newspaper ke jo dher ke upar nigah mari, at his feet, jo ki uske paon mein pada hua tha, uske upar nigah mari, it was the world. The world means ye ek newspaper ka naam hai. It was the world. And the word hasn't been published for years. Parantu the word jo tha wo to kai varshon se prakashit hi nahi hua tha. The lead story said something about President Cleveland. Lead story matlab yani ki main jo news thi, mukhya samachar jo tha, main news thi. The lead story said something about President Cleveland. Jo mukhya samachar tha vah President Cleveland ke bare mein tha. I have found that front page since in the public library files. मैंने वह फ्रंट पेज पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में ढूंढ लिया है. एंड इट वाज प्रिंटेड इन जून 11 1894 और वो जून 11 को 1894 में जो था प्रिंट हुआ था. आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडोज नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइजा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो. आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडोज मैं उसके बाद टिकट विंडो की तरफ मुड़ा जानते हुए कि दैट हेयर यहाँ पर ऑन द थर्ड लेवल पर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वो भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के इस थर्ड लेवल पर आई कुड बाय टिकट्स मैं टिकट खरीद सकता था दैट वुड टेक लुइजा एंड मी एनीवेयर जो कि मुझे और लुइजा को कहीं भी ले जा सकते थे इन द यूनाइटेड स्टेट्स में वी वॉन्टेड टू गो जहाँ पर भी हम जाना चाहते थे वहाँ पर मुझे वो लेके जा सकते थे. इन द ईयर 1894 1894 में 1894 ईयर में मुझे जहाँ पे भी मैं जाना चाहूँ मुझ मैं और मेरी पत्नी जहाँ पे भी जाना चाहें हम जा सकते थे. एंड आई वांटेड टू टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉयस और मैं गेल्सबर्ग इलिनॉयस के लिए दो टिकटें चाहता था. हैव यू एवर बीन देयर क्या तुम कभी वहाँ गए हो. इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल ये अभी भी बहुत खूबसूरत शहर है टाउन है. With big old frame house, बड़े ढांचे वाले पुराने घर, huge lawn, बड़े बड़े lawns and tremendous, मतलब बड़े बहुत ही बड़े tremendous huge and tremendous trees और बहुत बड़े बड़े पेड़ whose branches meet overhead and roof the streets जिसकी branches ऊपर मिल जाती हैं और गलियों पर छत बनाती हैं. And in 1894 और 1894 में summer evenings were twice as long. 1894 में 1894 में गर्मियों की जो इवनिंग्स थी वो दोगुनी लंबी होती थी. एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स लोग अपने लॉन्स में बैठते थे. एंड द मेन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली द वीमेन वेविंग पाम लीफ फैन विद द फायरफ्लाइज ऑल राउंड इन अ पीसफुल वर्ल्ड और जो औरतें थी वो एक पीसफुल संसार में पाम लीफ फैन यानी ताड़ के पत्तों के बने हुए पंखों को चुलाती थी और चारों तरफ फायरफ्लाइज यानी जुगनू होते थे. टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ एंड वर्ल्ड वॉर टू ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर उस समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी 20 वर्ष दूर था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी 40 वर्ष. आई वॉन्टेड टू टिकट्स फॉर दैट उसके लिए मुझे दो टिकटें चाहिए थी. द क्लर्क फिगर्ड द फेयर क्लर्क ने किराए का हिसाब लगाया. ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड उसने मेरे फैंसी हेडबैंड है उसकी तरफ देखा. बट ही फिगर्ड द फेयर परंतु उसने किराए का हिसाब लगाया. एंड आई हैड इनफ फॉर टू कोच टिकट्स मेरे पास दो कोच टिकट्स के लिए पर्याप्त पैसा था वन वे एक तरफ के लिए. But when I counted out the money and looked up, जब मैंने पैसे को गिना और ऊपर देखा, the clerk was staring at me. जो क्लर्क था वो मेरी तरफ बहुत घूर के देख रहा था, मेरी तरफ ध्यान से देख रहा था. He nodded at the bills. उसने पैसों को देखकर सिर हिलाया.
That is money, mister. ये पैसा नहीं है. He said, उसने कहा, and if you are trying to skin me means यानी यदि तुम मुझे धोखा देना चाहते हो तो you won't get very far. तुम भागकर ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे. And he glanced at the cash drawer beside him. और उसने अपने साथ लगे पैसों के दराज में देखा. Of course, the money was old style bills. निस्संदेह पैसा पुराने तरीके के नोटों में था. Half again as big as the money we use nowadays. जो पैसा हम आजकल प्रयोग करते हैं, जो नोट हम आजकल प्रयोग करते हैं, उनसे डेढ़ गुना बड़े नोट. तो इसीलिए जो क्लर्क था वो उसकी तरफ बड़े गौर से और उसको घूर कर देख रहा था, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि शायद वो उसको धोखा देना चाहता है, क्योंकि उसके पास असली, हालांकि जो चार्ली के पास पैसे थे वो कौन से पैसे थे, वो 20th century के थे नाउ, बट ही वॉज इन 1894. वो तो कहाँ पर पहुँच गया था, 1894 में पहुँच गया. तो इसका मतलब जो आज के पैसे थे वो उस समय नहीं चलने थे. इसीलिए क्लर्क को लगा कि शायद वो व्यक्ति उसको धोखा देना चाहता है. एंड डिफरेंट लुकिंग, और जो पैसे थे वो हालांकि डेढ़ गुना बड़े भी थे और बिल्कुल अलग लुकिंग के थे. आई बिल्कुल उनका जो बनावट थी वो बिल्कुल ही अलग थी. आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट. मैं पीछे हटा और फटाफट वहाँ से तेज़ी से निकला. देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, क्योंकि इवन इन 1894 में भी जो जेल थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी. एंड दैट वॉज दैट, और बस यही बात थी. आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं उसी तरीके से वहाँ से निकल गया जैसे वहाँ गया था. आई सपोज्ड मतलब अपने विचार में मैं उसी रास्ते से लौटा जिस रास्ते से मैं आया था. नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन लंच आवर के दौरान आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक. मैंने अपने बैंक में से $300 निकलवाए. नियरली ऑल वी हैड, मतलब जितने भी मेरे पास थे. एंड बोट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. तो उसने बताया कि नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर उसने अपने बैंक में से $300 जो थे, करीबन जितने भी उसके पास पैसे थे, जितने भी डॉलर थे, उसने सारे निकलवा लिए थे, जो कि उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के चिंता का कारण थे, जिस और उसको चिंतित कर दिया उसके फ्रेंड को. यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स. तुम पुरानी मनी किसी भी कॉइन डीलर से खरीद सकते हो, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, परंतु तुम्हें उसके लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं. माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स. मेरे $300 से पुराने स्टाइल के 200 से भी कम ही मुझे मिले, बट आई डेंट केयर, परंतु मुझे कोई परवाह नहीं थी. एग्स वर 13 सेंट अ डजन इन 1894, क्योंकि अंडे जो थे वो 1894 में 13 सेंट के डजन थे. बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 13 लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ. परंतु मुझे, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, परंतु फिर भी मुझे कभी थर्ड जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर दोबारा से वो थर्ड लेवल नहीं मिला. लुइजा वॉज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस. लुइजा काफ़ी चिंतित हुई जब मैंने उसे ये सब कुछ बताया. एंड डिडंट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर. वो नहीं चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल को और ढूंढूं. एंड आफ्टर व्हाइल आई स्टॉप, और कुछ समय बाद मैं रुक भी गया. आई वेंट बैक टू स्टैम्प, मैं दोबारा से अपनी स्टैम्प्स को एक बार चेक किया. बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, पर अब हम दोनों ही ढूंढ रहे थे. क्या ढूंढ रहे, वहाँ पे लिखा गया है कि बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, मतलब अब हम दोनों, मतलब दोनों मतलब लुइजा और चार्ली, हम दोनों ही ढूंढ रहे थे किस चीज़ को, थर्ड लेवल को. एवरी वीकेंड, हर वीकेंड पर, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ था दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि वहाँ पर वास्तव में थर्ड लेवल है. My friend Sam Weiner disappeared. मेरा दोस्त सैम वेनर जो था वो disappeared हो गया था, वहाँ से गायब हो गया था. Nobody knew where, किसी को नहीं पता था कहाँ. But I sort of suspected, परंतु मुझे शक था. Because Sam is a city boy, क्योंकि सैम नगर का निवासी है. And I used to tell him about Galesburg, और मैं उसे Galesburg के बारे में बताया करता था. I went to school there, मैं वहाँ स्कूल जाता था. एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस,
उसने वो हर वक्त कहता था कि उसे सुनने में वह स्थान पसंद है, वह जगह काफ़ी पसंद है, एंड दैट इज़ वेयर ही इज़, और वह वहीं पर है। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक। इन 1894 1894 में, बिकॉज वन नाइट फसिंग विद मतलब गोइंग थ्रू, बिकॉज वन नाइट क्योंकि एक रात फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, अपने स्टैम्प कलेक्शन को देखते हुए उस आई फाउंड, मैंने देखा, वेल डू यू नो व्हाट आर फर्स्ट रिकवर इज। तो यहाँ पर उसने बीच में ही बात रोक दिया, उसने कहा कि क्योंकि एक रात मैंने टिकट कलेक्शन को टटोलते हुए पाया, लेकिन उसके बाद उसने क्वेश्चन पूछा कि वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट रिकवर इज, खैर क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट रिकवर क्या है। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवेलप टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द ऑफ सेल। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब एक नई टिकट जारी की जाती है तो स्टैम्प कलेक्टर्स कुछ खरीद लेते हैं और उनका प्रयोग अपने खुद को ही लिफाफा भेजते हैं, उसका प्रयोग करते हैं अपने आप को खुद को ही वो लिफाफा भेजने के लिए, वो भी सेल के पहले दिन ही। एंड द पोस्ट मार्क मीन्स स्टैम्प, ये वो वाली स्टैम्प नहीं है, ये स्टैम्प है जो कि जब हम किसी को लेटर भेजते हैं तो जो स्टैम्प लगाई जाती है टिकट कलेक्टर्स, सॉरी जो पोस्ट मास्टर द्वारा ठीक है लगाई जाती है, ये वो स्टैम्प की बात है, डेट की स्टैम्प, ठीक है। एंड द पोस्ट मार्क मतलब स्टैम्प प्रूव्स द डेट, तो पोस्ट ऑफिस की मोहर है स्टैम्प, जैसे कि मैंने बताया। द एनवेल्प इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, द एनवेल्प, उस एनवेल्प को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है जो कि आप खुद को ही भेजते हैं, स्पेशली जो कलेक्टर होते हैं वो अपने आप को भेजते हैं, उसी को कहा जाता है फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपन्ड, उन्हें कभी नहीं खोला जाता, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेल्प, क्योंकि तुम उस एनवेल्प में खाली पेपर ही रखते हो, खाली कागज़ ही रखते हो। दैट नाइट, उस रात, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, पुराने फर्स्ट डे कवर के बीच में से आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, मैंने एक ऐसा ढूंढा जो उसे वहाँ नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, परंतु ये वहाँ था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, वो वहाँ पर इसलिए था क्योंकि किसी ने उसे मेरे दादाजी के पते पर मेल किया था उनके घर पर गेल्सबर्ग में। दैट इज़ वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेल्प सेड, यही लिफाफे पर लिखा पता भी बताता था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और ये वहाँ जुलाई 1894 से था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, जो मोहर ऐसा कहती है, जो उसके ऊपर मोहर लगी हुई थी डेट की, वो ऐसा बता रही है कि वो 18 जुलाई 1894 से वहीं था। येट फिर भी आई डेंट रिमेंबर इट एट ऑल, तो भी मुझे यह बिल्कुल याद नहीं था। द स्टैम्प वाज़ अ 6 सेंट डल ब्राउन मीन्स फीके भूरे रंग की, जो स्टैम्प थी वो 6 सेंट की थी, फीके भूरे रंग की थी, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, जिसके ऊपर प्रेसिडेंट गारफील्ड की फ़ोटो थी। नेचुरली व्हेन द एनवेल्प केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, तो जाहिर है कि जब ये मेल एनवेल्प जो था ग्रैंड डैड के पास उनके मेल में आया, मेल आई, तो इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, तो सीधा ही उनके कलेक्शन में चला गया। एंड स्टेड देयर, और वहीं पर रहा, टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, जब तक कि मैंने इसको देखा और खोला, ये तब तक वहीं थी। द पेपर इन साइड वॉजंट ब्लैंक, जो एनवेल्प के बीच में पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, जैसे कि अक्सर होता है कि फर्स्ट डे कवर का जो एनवेल्प होता है उसके बीच का कागज़ ब्लैंक होता है, लेकिन ये जो पेपर था इसके बीच में वो ब्लैंक नहीं था। इट रेड, इस पर लिखा हुआ था 941 विलार्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ग इलिनॉयस, तो ये एड्रेस था 941 विलार्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ग इलिनॉयस, जुलाई 18 1894, चार्ली, तो ये चार्ली को लिखा गया था, तो इट मीन्स कि 18 अगर देखा जाए तो 1894 में तो चार्ली नहीं था, तो इट मीन्स ये चार्ली को लिखा गया 1894 में। तो आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर, तो इसके लेटर में क्या लिखा था कि आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं चाहता था तुम सही होते, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, फिर मैं विश्वास करने लगा कि तुम सही थे। एंड और चार्ली इट इज़ ट्रू, ये सच है, आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया, आई हैव बीन हेयर टू वीक्स एंड राइट नाउ, मैं 2 हफ्तों से यहीं हूँ एंड राइट नाउ अभी भी हूँ, डाउन द स्ट्रीट एट द डेली, गली के उस छोर पर,
कॉर्नर पर डेली की दुकान पर समवन इज प्लेइंग अ पियानो, कोई पियानो बजा रहा है. एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सिंग नैली होम, और वे सब वहाँ सामने वाले पोर्च में सिंग नैली होम गा रहे हैं. एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे नींबू पानी के लिए इन्वाइट मतलब आमंत्रित किया गया है. कम ऑन बैक, आ जाओ चार्ली एंड लुइजा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिल जाता उसकी तलाश जारी रखो. इट इज़ वर्थ इट, यह तलाश करने लायक है, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो. द नोट इज साइंड सैम, वह नोट सैम के नाम से साइंड मतलब हस्ताक्षरित था, मतलब कि ये जो लेटर था आया था चार्ली के पास 1894 से, ये लिखा गया था सैम द्वारा. एट, और सैम इसका फ्रेंड था जो कि डिसअपियर हो चुका था. एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, मैं टिकटों और सिक्कों के स्टोर पर जाता हूँ. आई फाउंड आउट, मैंने पता लगाया दैट कि सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी. मुझे पता लगा कि, और इस चीज़ के बारे में पता लगाया कि जो सैम था उसने $800 के पुराने जो करेंसी थी, पुराने नोट थे, पुराने स्टाइल की करेंसी थी, वो खरीदी थी. दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, और यह जो रकम थी उसे एक अच्छे हे मतलब घास, एक अच्छे घास चारा और अनाज के व्यापार में स्थापित कर देती. ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, वह हमेशा कहता था कि वह यही कर सकता था. एंड ही सडनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वह अपने पुराने धंधे में वापस बिल्कुल नहीं जा सकता. नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, स्पेशली 1894 में गेल्सबर्ग इलिनॉइस में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता था अपने पुराने धंधे में. हिज ओल्ड बिजनेस, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, देखिए हिज ओल्ड बिजनेस, तो पूछा गया कि उसका ओल्ड बिजनेस क्या, व्हाई, क्यों, क्योंकि सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि सैम जो था वो मेरा साइकेट्रिस्ट था.